अस्सलाम वालेकुम आइडियाज़ बाय अदील में खुश आमदीद। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो ये है कि थोड़ी सी मजहबी टाइप की है, इस्लाम के बारे में। इस्लाम के बारे में कि जो आप काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उसमें रिस्क और बरकत के लिए जो है करामद, अथेंटिक अदीस, वो आज मैं आया हूँ अपने बहुत ही अच्छे दोस्त, और गुजर हो रहा था मेरा, इनसे मुलाकात हो गई, तो मैंने बोला आप एक छोटा सा क्लिप हमारे साथ कैप्चर कर दें ताकि मेरी ऑडियंस देखे और जो अपने नए कारोबार करने वाले लोग हैं वो भी इससे मुतासिर हों। तो मैं अब दिखाता हूँ, ये हैं सैयद सिकंदर हुसैन शाह माशाल्लाह, और आलिम मुफ्ती फाजल, और नकाबत भी करते हैं बहुत अच्छी, और बेड़ा शरीफ से ये फारिग हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी माशाल्लाह बहुत ही नॉलेज है इनके पास, और यंग स्कॉलर भी हैं ये, माशाल्लाह बिल्कुल यंग है और बहुत सारा नॉलेज है। तो सिकंदर भाई, बस पूछना ये चाहते हैं कि जो लोग कारोबार कर रहे हैं, छोटा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या उनके लिए रिस्क में बरकत के लिए, और उनको ऐसा क्या करना चाहिए ताकि कस्टमर भी आए और रिस्क में भी कुशादा फायदा हो उनको। जी अदील भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और ये ऐसा सवाल है कि जो हर बंदा ये चाहता है कि उसके रिस्क में इजाफा हो, वो जनाब काम करे, उसमें बरकत हो, सारा, यानी ये बहुत अच्छा सवाल है। और आपके ऑडियंस को मैं बताता चलूँ कि बेसिक होता यूँ है कि इंसान अगर कोई भी काम करता है काम, तो वो उसमें जनाब ये नहीं देखता हलाल हराम में, वो तमीज़ नहीं रखता, वो यानी कि वो कहता है कि बस मेरे पास पैसा या कोई दौलत आए ही आए, ठीक है, तो वो दौलत तो आ जाती है लेकिन उसमें बरकत नहीं रहती, ठीक है। तो बरकत के लिए आपने सबसे पहले तो ये देखना होगा कि आपने सबसे पहले अपने जो भी आप कमाई करते हैं, ये आपने उसमें फिक्र करनी है कि आप उसको हलाल तरीके से कमाएं, ठीक है, अपना मुनासिब प्रॉफिट रख के, या कोई भी अगर और तरीका करते हैं आप, तो उसमें मुनासिब तरीके से आप, यानी उसको हराम से आपने बचाना है। और दूसरा, एक बुजुर्गों ने फरमाया है कि जो बंदा चाहता है कि उसके कारोबार या उसमें रिस्क में बरकत हो, तो जब भी वो अपने कारोबार पे जाए तो वहाँ वो बावजू हालत में रहा करे। तो बावजू हालत में रहने से जो है ना, वो कारोबार में माशाल्लाह काफी सारी बरकत होती है। तो ये एक वजीफा भी समझ लें कि जितने भी दोस्त कारोबार करते हैं, आप अपने कारोबार में बावजू रहा करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से आपके कारोबार में बरकत होगी। अच्छा, तो नाजरीन आपने देख लिए, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, जिनकी दुकानें हैं या छोटा कारोबार कर रहे हैं, उनको लिए एक ऑथेंटिक सी बात आलम मुफ्ती साहब ने बताई है कि आपने बावजू रहना है। चैनल देखने का बहुत शुक्रिया, और अपनी कीमती राय से जरूर इजहार कीजिएगा। आपका अपना होस्ट आइडियाज़ भाई अदील, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।